वीडियो बनाने का मकसद आपको मालूमात फराहम करना है, वो भी घर बैठे। किसी भी इदारे से लेन देन की जिम्मेदारी हमारे या हमारे चैनल की नहीं होगी। अपने कारोबार की वीडियो बनवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटा पाकिस्तान। आज आपका भाई एक ऐसी वीडियो लेके आया जो कि भाई फंक्शंस के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज मैं खड़ा हूँ 3 पीस सूट्स की दुकान पर, जहाँ आपके माशा 3 पीस 2 पीस और बाकी जो कपड़े हैं कोट वगैरह हो गए सिंगल कोट्स, तो वो आपको दस्तयाब हो जाएंगे। बाकी जो वैरायटी है वो उनसे मैं आपको पूछ के बताऊँ इनके पास क्या क्या वैरायटी मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको पूरी दुकान का विजिट करवाया था, उसके बाद फिर मैं आपको इनके जो रेट्स होंगे और वो पता करवाऊँगा भाई से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। हमारे साथ मौजूद है हमाद भाई। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आपकी दुकान में काफ़ी 3 पीस और 2 पीस के हवाले से वैरायटी बढ़ी है। फिर भी आप बता दें किस साइज़ में मिल जाएगी, किस तक एज की सारी बता दें। जो है 32 साइज से लेके टोटल 50 साइज तक साइज होते हैं, 2 पीस में, 3 पीस में, कोट्स में, सब में। अगर बनवाने में चाह रहे हैं आप तो बनवाने में भी बहुत वैरायटी आती है हमारे पास, जैसे कोट्स है, 2 पीस है, 3 पीस है, ये सारी चीज़ें बनवाने में भी आती है। इसके अलावा प्रिंट्स कोट, शेरवानी वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती है। और इसके अलावा आप देख लें जैसे कि ये 2 पीस लगे हुए, ये रेडी टू वेयर है। अच्छा, क्वालिटी क्या होती है कपड़े? क्वालिटी वाइज ये है कि रेडीमेड में थोड़ी लो क्वालिटी मिल जाती है, मतलब गुजारे लायक होती है, मतलब 1, 2, 3, 4 इवेंट बस। इसके अलावा 2 पीस में बाकी बनवाने में ये तो ये कि अच्छी वैरायटी मिल जाती है, कपड़ा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, अच्छी हो जाती है। जी जी, ये सारी चीज़ें होती है। चलें फिर आप हमें दिखाएं, 2 पीस से शुरू करते हैं। 2 पीस हमें कोई दिखा दें। अगर 2 पीस में देखें तो ये 2 पीस में रेडी टू वेयर है, ये 2 पीस में इसमें कोट होता है, पैंट होती है। इसी तरह से ये देखें, ये रेडीमेड स्टिच हुई हुई है, ये रेडीमेड है जी, ये रेडीमेड स्टिच हुई हुई है। और इसी तरह से अगर ऑर्डर स्टिचिंग पे जाते हैं तो फिर ऑर्डर स्टिचिंग इस तरह से आती है, जैसे ये कितने 3 पीस ये 3 पीस तो 3 पीस ऑर्डर स्टिचिंग होती है, वैरायटी क्वालिटी स्टिचिंग अच्छी होती है इसकी। तो 2 पीस हमें आप दिखा दें कोई थोड़े बहुत और देखें, जैसे सारे लगे हुए हैं 2 पीस में, ये सारे हैं इस तरफ है, अंदर की साइड पर भी बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है जी, सारे 2 पीस की वैरायटी होती है। इसके अलावा कोट मुख्तलिफ होते हैं, कोट्स में भी वैरायटियाँ मिल जाती है, जैसे 2 पीस की अगर बनवाएं तो क्या प्राइस पड़ेगी और वैसे रेडीमेड में क्या पड़ेगी? मुख्तलिफ होती है, रेडीमेड लेते हैं तो आप 4-4.5 हज़ार रुपये होती है वैरायटी के हिसाब से जी, और अगर वो बनवाते हैं तो बनवाने में तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये हो जाती है। बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी अच्छी वैरायटी और क्वालिटी, स्टिचिंग अच्छी होती है, स्टिचिंग की भी गारंटी होती है, हर चीज़ में मार्जिन भी होता है, वो हिसाब होता है उसमें। चलो सिंगल कोट्स अगर दिखा दें आप, सिंगल कोट्स में अगर आपको देखना है तो ये सारी वैरायटी लगी हुई होती है, सामने की तरफ भी कवर्स वगैरह में भी होते हैं, ये सारे सिंगल कोट्स हैं जी, ये सारे सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स की क्या क्वालिटी होगी? मतलब सिंगल कोट्स में ये अगर रेडीमेड में लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, उसमें हल्की क्वालिटी भी होती है, दो तरह की वैरायटी होती है उसमें भी। अच्छा, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या है इसकी? मतलब लो क्वालिटी की स्टार्टिंग प्राइस, मतलब लो क्वालिटी है तकरीबन 3 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है, 3 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है। और हाई क्वालिटी में, मतलब अच्छी क्वालिटी में जाते हैं तो उसमें तकरीबन आ जाते हैं कोट खाली अच्छी से अच्छी क्वालिटी होती है, 4-5 हज़ार रुपये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। देखें जैसे कि ये कोट है, कैजुअल कोट्स में है, ये कैजुअल है, इसकी स्टिचिंग क्वालिटी वैरायटी A1 होती है। इसकी प्राइसेस में जो जाएंगे अपन तो इसकी प्राइस तकरीबन आएगी 4,500 रुपये के हिसाब से, 4,500 रुपये के हिसाब। अच्छा, इस तरह में शादी के वाले भी आते हैं जी, वो जैसे वहाँ पे वो खड़े हैं जी, प्रिंट्स कोट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ये सारे प्रिंट्स कोट लगे हुए डिस्प्ले पे, ये सारे प्रिंट्स कोट होते हैं, प्रिंट्स कोट जी, ये प्रिंट्स कोट कुर्ता पजामा पूरा सेट होता है इसका। और सिंगल में नहीं मिलते? सिंगल में नहीं मिलते, खाली प्रिंट्स कोट भी मिल जाते हैं लेकिन वो बनवाने के मुख्तलिफ ज़्यादा वैरायटी आती है बनवाने में,
जैसे ऑर्डर वगैरह पे बनवाते हैं लोग, जैसे अभी वो वहाँ खड़े हैं वो रेडीमेड कोट होता है, रेडीमेड कोट है। क्या प्राइस पड़ती है इनकी? उसकी तकरीबन आती है, मतलब सितारे वाले कपड़े होते हैं मैसूरी सीक्वेंस, तो उसमें तकरीबन आते हैं 4,500 रुपए खाली कोट। जी सिर्फ कोट। और अगर पूरा सेट हो जैसे यहाँ खड़ा, मतलब पूरा सेट में तकरीबन आते हैं 8.5-7.5 इस हिसाब से होता है। अच्छा सही, अगर आप उनमें से कोई एक उतार के दिखा दें। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए जिस तरीके से ये प्रिंस कोट है, ये प्रिंस कोट है, क्वालिटी इसकी बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है ये, और शॉप के हिसाब से भी सही। तो इसकी कितनी प्राइस बताई थी आपने? तकरीबन आया था 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। और ये वाला कितने का था? ये तकरीबन आता है आपको 4,500। 4,500 कैजुअल कोट है और ये प्रिंस कोट है। शादी ब्याह इवेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, उन चीज़ों पर चलता है, और ये तकरीबन शादी ब्याह में भी चलता है, इवेंट्स पे भी चलता है। इसके अलावा कैजुअल यूजिंग पे भी पहन सकते हैं आप, रूटीन पे लोग कमर्शियल वार पे कोट पहनते हैं तो उस पर भी चल जाता है। बहुत सारी मतलब हर चीज़ में पहन सकते हैं इसको, वो मुख्तलिफ है ये वैरायटी, ये सिर्फ शादी ब्याह के हिसाब से ज़्यादातर होती है। अच्छा सही, तो आप अगर बाहर आ जाए इनके बारे में बता दें जो थ्री पीस का है। दिखा देता हूँ, देखें जैसे थ्री पीस है, ये सूट्स लगे हुए पूरे पूरे थ्री पीस सूट कोट पैंट वेस्ट कोट, ये पूरा पेयर होता है, ये बेस्ट क्वालिटी है, सब चीज़ जी सब चीज़ें एवन हुई हुई है इसमें, क्वालिटी वाइज स्टिचिंग वाइज सब चीज़ें एवन हुई हुई होती है इसमें। इसकी क्या प्राइस पड़ेगी इस वाले की? देखिए ये तकरीबन आएगा पूरा सेट आएगा ये 8,500 रुपये का, 8,500 का वेस्टकोट शर्ट टाई सब। और इसके जो बराबर में, इसके बराबर में ये भी इसी रेट में आएगा, इसी प्राइस में आएगा, चीज़ क्वालिटी एक ही है। अच्छा, ये जो अंदर की ये डिज़ाइन है, अगर ये चेंज करवाना चाहें वो तो आप मुख्तलिफ जो आप रखवाना चाहें उसका मसला नहीं है, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा स्पेशली। सही, देखिए जैसे ये सारे लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, वैरायटी कलर्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं ना, इन सब में ये सारे कलर्स मिल जाती हैं, वैरायटी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है हमारे पास। सही ना, इसमें भी कलर डिज़ाइन मुख्तलिफ चीज़ें ये सारी चीज़ें होती है, मतलब टू पीस के हवाले से भी बहुत वैरायटी होती है। तो ये अभी टू पीस है जी, ये सारे डिस्प्ले पे जितने भी लगे हैं ऊपर की तरफ ये सब टू पीस है। अगर आप इनकी प्राइसेस बता दें, अगर प्राइस में जाएंगे तो इसमें मुख्तलिफ प्राइसेस है, मतलब कपड़े की क्वालिटी पे बात होती है ना, जैसा कपड़ा है वैसी चीज़ है, तो इस हिसाब से कपड़े के हिसाब से होते हैं वैसे। तो फिर भी आपको एक प्राइसेस के हवाले से बता देता हूँ कि मतलब टू पीस जो आता है ना, तो इसमें तकरीबन टू पीस आते हैं रेडीमेड में 5,500 में। और जो अभी खड़े हैं इनकी अगर आप बता दें, ये अगर खड़े हुए हैं तो ये आप रेडीमेड में लेंगे तो रेडीमेड में आपको मुनासिब से मुनासिब 4,500 रुपये लगा देंगे जी। सही ना, और अगर बनवाएंगे यही चीज़ तो बनवाने में आपको तकरीबन 6,500-6,500 रुपये में आएगी, 6,500-6,500 टू पीस के, ये टू पीस के। सही, अगर आप बनवाने के हवाले से जाते हैं तो ये मेरे पास मुख्तलिफ वैरायटियाँ भी होती है, ये देखें जैसे कि ये कपड़े वैरायटी हम दिखाते हैं लोगों को, उसमें भी कलर्स मिल जाते हैं, इन कपड़ों में भी कलर्स मिल जाते हैं, कलर कलेक्शन बहुत सारी होती है इसमें। सही ना, इसी तरह से इसमें आते हैं तो इसमें भी कलर कलेक्शन बहुत मिल जाती है। ये कपड़ा कौन कौन सा, मतलब क्या फर्क है कपड़े वाइज? अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे अभी हार्ड है और ये सॉफ्ट है, तो इसका मतलब ये कॉटन टाइप का कपड़ा है, मतलब सर्दियों वगैरह ज़्यादा चेक वगैरह ये सर्दियों में ज़्यादा चलते हैं, मतलब ये टेक्सचर वगैरह जो होते हैं ना ये प्लेन होते हैं, मतलब हर इवेंट पे पहन सकते हैं आप। सही है ना, अगर आप शादी ब्याह के हिसाब से जाते हैं तो ये प्रिंस कोट्स की वैरायटी चलती है, कोट्स की वैरायटी चलती है। अच्छा, वो वाला जो आपने पहले दिखाया वो क्या, मतलब किस हिसाब से? मतलब टू पीस थ्री पीस जो कोट पैंट वगैरह होते हैं ना, उन चीज़ों पर ज़्यादा इन है वो, मतलब जो नहीं स्क्वायर फीट का हिसाब होता है, क्या हिसाब होता है, मतलब कितने कपड़ा का हिसाब होता है, एक गज का हिसाब होता है, मतलब एक गज होता है, मतलब टू पीस में जो लगता है ना तो तकरीबन लगता है 3.5 गज। और 3.5 गज कितने तक पड़ता है फिर? 3.5 हम कपड़ा सिलाई दोनों एक, मतलब अच्छा एक ही एडजस्ट कर लेते हैं उसमें, एक ही हिसाब होता है। अगर आप खाली कपड़ा लेना चाहें तो कपड़ा भी मिल जाता है खाली, अगर खाली स्टिचिंग कराना चाहें तो स्टिचिंग भी हो जाती है हमारे पास। मतलब ये आपको एक चीज़ दिखाई है शादी ब्याह के हिसाब से, जैसे ये चीज़ चलती है प्रिंस कोट्स के लिए, मतलब ये है, ये इवेंट्स वगैरह इसमें कलर्स वैरायटी डिज़ाइन बहुत मिल जाते हैं इनमें। सही है, इसमें डिज़ाइनिंग भी बहुत होते हैं, कलर्स भी बहुत होते हैं, वैरायटियाँ भी बहुत होती है इसमें। इसकी क्या प्राइस पड़ती होगी फिर? मतलब ये टू पीस अगर बनवाने में जाएंगे तो बनवाने में आजकल लॉन्ग शेरवानियाँ भी चल रही है, प्रिंस कोट्स भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है ना, तो ये बनवाने में तकरीबन आ जाएगी, शेरवानी अगर आप बनवाते हैं ओपन स्टाइल में तो ये तकरीबन आती है आपकी 8,500 रुपये की। 8,500 पूरा सेट या खाली? पूरा सेट 8,500 रुपये का। और ये सिंगल बनवाएं तो? अगर खाली शेरवानी बनवाते हैं तो शेरवानी या प्रिंस कोट दोनों में से कुछ भी बनवाते हैं वो तकरीबन आती है 5,000 रुपये। 5,000 जी। सही अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमने टाइम दिया। तो आप अपनी दुकान की लोकेशन बता दें किस मार्केट में, और क्या शॉप नंबर पड़ेगी? तो ये है कि हमारी के सदर अब्दुल्ला अरुण रोड करीम सेंटर है, बिल्कुल ये पोस्ट ऑफिस है हमारे बराबर में, इसके बिल्कुल बराबर में हमारी मार्केट है। इसके अंदर आप एंटर होंगे तो एंटर होते ही सीधे आपकी तरफ हमारी दुकान की शॉप नाम है,
दर्जी डिज़ाइनर नाम है दुकान का। शॉप नंबर है 17, 26 और 46। तीन नंबर की शॉप है हमारी और तीन शॉप्स है इस मार्केट में, सही ना। इसी तरह से अगर आपको विजिट करना हो तो ये मेरा कार्ड है, कार्ड का भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा शॉप का कार्ड है, तो इसके अगर आप विजिट करना हो तो इस हवाले से आइएगा। अच्छा, और बाकी शॉप से क्या नंबर हैं जो बाकी शॉप्स हैं? बाकी शॉप्स है तो अगर मेरी ये है, मतलब दो दुकानें तो ये है, जैसे ये बड़ी दुकान है ना, तो इसका है 17 और 26। इसी तरह से मेरी एक और दुकान है, तो वहाँ उसकी वहाँ पर अगर आप आते हैं तो उसका नंबर है 46। जी चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको तमाम जो इनके पास वैरायटी पड़ी हुई, मतलब सारी वैरायटी इनके पास अवेलेबल, अगर आप एक दफ़ा विजिट करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर आपको वैरायटी दिखा देंगे, और जो चीज़ आप पसंद करेंगे ये आपको बना के देंगे, मुनासिब कीमत में बना के देंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप बाहर से ले रहे हैं, कहीं बड़ी जगहों से ले रहे हैं, तो उससे बेहतर आप एक दफ़ा ये दुकान विजिट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। तो आज के व्लॉग को फिर मैं यही सेंड करता हूँ, और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।